लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्र से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण चित्त प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसकी लिंग उत्पन्न हुआ, अपने से आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीरी के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष की गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया, इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। अब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उसमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया, इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया, इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ, इस मनोह शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पादि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, इसे अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमानी रुद्र ने प्रवेश किया, इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्मा स्थित हुआ, इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ, इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन तीन गुणों की परिणाम स्वरूप देवता मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गीय लोक में मनुष्य और उनकी उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाले क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चूर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कोई साहस कर सकता है? तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुय से वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि की गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? अतः भगवान की माया बड़ी बड़ी महा
कवियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है, अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थान ही पा सकते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या, जहां ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिया अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में सातवां अध्याय महात्मा विदुर जी के प्रश्न प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, मैत्री जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमय माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र वे भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित है, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्री जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्री जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्य वत भासते हैं, उसी प्रकार ऐसे जीवी को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञान वश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाले कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा की प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में भी देही के मिथ्या धर्मों की प्रतीत होती है परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीत धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है, फिर यदि हमारे हृदय में उनकी चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपने युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं, अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही है कि जीव को जो क्लेशादि की प्रतीत हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है, वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया की अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञान ग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः हैं ही नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं।
अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीत को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्धि भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महद आदि सत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर जांघे और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं।